गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर में, क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2। पिछली क्लासेस में अपन ने सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू देखे थे, आज अपन देखेंगे डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू क्या होते हैं और उन पे कैसे काम होता है। तो अपन चलते हैं आगे, आज एक बार पहले थोड़ा सा पिछले कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे अपन और फिर आगे चलेंगे। तो अपन देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में क्यू। तो क्यू हमने आपको बताया था कि क्यू क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यू क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये हमारे कौन से डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ और ट्री जो हमारा है वो कौन सा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्यू क्या है? हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ये किस पे काम करता है? जो प्रिंसिपल है इसका वो क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टू पॉइंटर्स फ्रंट एंड रियर। इसमें जो हमारा इंसर्शन और डिलीशन होता है दो होते हैं, एक रियर होता है और एक फ्रंट। फ्रंट से वैल्यू डिलीट होती है और रियर से वैल्यू इनपुट होती है। क्लियर? तो ये कुछ और ऑपरेशंस ऑफ क्यू, कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अपन ने कल एक टाइप्स देखा था क्यू का, आज अपन देखते हैं प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन पहले से सर्कुलर क्यू हमने आपको बता दिया था और कंडीशंस बता दी सर्कुलर क्यू की, कौन कौन सी सर्कुलर क्यू के हमारे पास कंडीशंस है। अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट अपने पास है प्रायोरिटी क्यू। अब देखिए प्रायोरिटी क्यू क्या है कि प्रायोरिटी क्यू इज द ईच एलिमेंट असाइन ए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है प्रायिकता, कि किसी प्रोसेस को, कि हम किसको पहले इंसर्ट करना चाहते हैं, किसके बाद इंसर्ट करना चाहते हैं, किसके बिफोर इंसर्ट करना चाहते हैं, किस एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, किसको नहीं डिलीट करना चाहते हैं, कि किसी भी प्रोसेस यानी किसी भी एलिमेंट्स की जो हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं वो हमारे प्रायोरिटी क्यू में होता है। प्रायोरिटी मतलब प्रायिकता, किसको हम पहले दे रहे हैं। पर इसमें हमारे पास देखिए प्रायोरिटी एलिमेंट्स डिटरमाइंस द ऑर्डर विच द एलिमेंट्स विल बी प्रोसेस्ड। इसमें हमारे पास कोई सीक्वेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास प्रोसेस नहीं होते, हम इसमें क्या होता है प्रायोरिटी के आधार पर एलिमेंट्स को यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट्स की प्रायोरिटी, जैसे कुछ रूल्स होते हैं, जिस एलिमेंट्स की प्रायोरिटी हायर होगी, ठीक है, वो हमारा पहले प्रोसेस होगा। जिसकी प्रायोरिटी लोअर होगी वो एलिमेंट्स हमारा बिफोर एलिमेंट्स विल बी लोअर प्रायोरिटी। उसके बाद कौन से एलिमेंट्स हमारे प्रोसेस होंगे? लोअर एलिमेंट। टू एलिमेंट्स सेम प्रायोरिटी प्रोसेस ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर दो दो एलिमेंट्स की प्रोसेस हमारे पास, इसमें दी कंडीशन क्या, अगर दो एलिमेंट्स यानी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो उस कंडीशन में जो रूल फॉलो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम बाद में प्रोसेस करेंगे। अब देखिए प्रायोरिटी क्यू हमारे पास, देखिए प्रायोरिटी क्यू को भी हम दो टाइप से अरेंज करते हैं, एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू होता है, एक डिसेंडिंग। जब एलिमेंट्स को हम एक निश्चित ऑर्डर में सिलेक्ट करते हैं, निश्चित ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, जैसे हमने मान लो लोअर से हायर की तरफ अरेंज कर दिया, हायर से लोअर की तरफ अरेंज कर दिया, और फिर उसके हिसाब से एलिमेंट्स के हमें वैल्यू को रिमूव करना है या कुछ करना, तो उनके आधार पे करते हैं। तो प्रायोरिटी के कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। क्लियर, ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। अगर अरे के थ्रू हम इसको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे अपन करेंगे? क्लियर, तो अरे के थ्रू इंसर्ट करने के लिए हमारे पास देखिए वही है, डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरे में वैल्यू को रख सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं अरे रिप्रेजेंटेशन। एक अरे लिया ए, जिसका साइज हमने दिया 5, तो 0 A1 A0 A1 A2 A3 A4 ये हमारे पास अरे। तो जब एलिमेंट्स स्टोर करते हैं तो आपको मालूम हमारा क्या प्लस प्लस होता है? रियर प्लस प्लस होता है। समझिए, ये पॉइंटर दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ये देखिए फ्रंट है, ये हमारा रियर है। बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू कितनी होगी? -1 -1। फ्रंट रियर से वैल्यू क्या हो रही है? इनपुट हो रही है। देखिए रियर प्लस करता जा रहा, वैल्यू आपकी क्या हो रही है? इनपुट हो रही है। अगर वैल्यू हमें फ्रंट से क्या करना, देखिए जितनी भी हम रियर हमारा प्लस होता जाएगा, वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी? वैल्यू हमारी ऐड होती जाएगी। अगर हम यहीं पर डिलीट ऑपरेशंस देखें, तो डिलीट ऑपरेशंस क्या करें, फ्रंट हमारा यहाँ पर रुक गया। अब देखिए फ्रंट जितना प्लस प्लस फ्रंट होगा, तो पीछे के एलिमेंट्स हमारे क्या होते जाएंगे? देखिए एलिमेंट फ्रंट प्लस हो रहा, एक एक एलिमेंट्स हमारा यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा, एलिमेंट्स हमारे पास रिमूव हो रहा। ठीक है,
तो अब अपन इसका एक एग्जांपल समझते हैं, इस पे अपन प्रोग्राम पे बात करते हैं कि इसको अपन कैसे यूज़ करते हैं, समझ गए ना। तो इस टाइप से एलिमेंट्स अब अपन इसको करते हैं, कौन सा, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का एग्जांपल अपन देखते हैं, पहले समझते हैं। तो अपन सी प्लस प्लस को ओपन किया, सी प्लस प्लस को ओपन किया, क्लियर। अब सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद अपन ने पी क्यू प्रोग्राम एक, तो अपन ने देखिए यहाँ पर सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमने फंक्शंस पहले आपको समझाएंगे, हैश इंक्लूड एस टी डी डॉट आई ओ हेडर फाइल एस टी डी लिब डॉट एच हैज डिफाइंड मैक्स साइज 5, 5 मैक्स साइज कितना दिया 5। उसके बाद हमने देखिए मेथड जो यहाँ पे बनाए हैं, इंसर्ट बाई प्रायरिटी इंट, डिलीट बाई प्रायरिटी इंट, एक क्रिएट चेक और डिस्प्ले पी क्यू एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक। एक अरे बनाया प्री अंडरस्कोर क्यू नाम से, जिसके अंदर हमने साइज कितना पास कर दिया मैक्स। दो वेरिएबल्स लिए जिनसे वैल्यू हमें इनपुट करना, वैल्यू को डिलीट करना है। तो अपने पास कौन सा, फ्रंट और रियर, कौन कौन से, फ्रंट एंड रियर, ठीक है। तो अपन मेन फंक्शंस में आपको मालूम है भाई, अपन लॉजिक जो अभी तक लगाते रहे कि एन प्लस ये, वी प्लस ये, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम यहाँ से प्रिंट करा लें। व्हाइल के अंदर वन पास कर दी, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहे तब तक ये एलिमेंट्स हमारे यहाँ से इनपुट होते हैं। अब अपन एक एक को ऊपर समझते हैं। जो क्रिएट मेथड है, तो क्रिएट मेथड में अपन क्या किया, अपन चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी माइनस वन असाइन कर सकते हैं, तो हमने सारा कुछ फंक्शंस के थ्रू किया है। तो वाइट फ्रंट और इक्वल टू रियर इक्वल टू माइनस वन, यानी फ्रंट और रियर की वैल्यू हमने कितनी कर दी स्टार्टिंग में, माइनस वन कर दी, ठीक है। अगर जीरो इंडेक्स होगी तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स है, या कोई ना कोई एलिमेंट्स उसमें डिलीट हो चुका है। तो हमने दोनों की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कितनी कर दी, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट पुराना, चाहे हम डायरेक्ट मैन बिफोर मैन इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं या किसी फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर वाइड इंसर्ट बाई प्रायरिटी इंट डेटा, इंट डेटा। तो अब देखिए थोड़ा सा हम इससे पहले इंट डेटा से चेक डेटा समझ लेते हैं। चेक डेटा में हमने क्या किया हुआ है, जैसे हम सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, हमने अरे को शॉर्ट करने का प्रोग्राम बनाया, तो वही हमने यहाँ पे दिया है आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू रियर, आई प्लस लें जीरो से लेके जहाँ तक रियर की वैल्यू हो। इफ़ डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू प्रायरिटी, अगर कंडीशन ये क्या हो रही, ट्रू हो रही है, तो जे इक्वल टू रियर प्लस वन, रियर की वैल्यू एक इंडेक्स ज़्यादा हो जाए, जे ग्रेटर देन आई, जे माइनस माइनस। और यहाँ पर अगर ये हमने देखे यहाँ पे वैल्यू को इंटरचेंज करने का कोड करें, यानी वैल्यू को हम चेक करा रहे हैं, वैल्यू को हम सेट करते जा रहे हैं, वैल्यू को एक ऑर्डर में क्या करते जा रहे हैं, सेट करते जा रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वैल्यू को हम क्या करते जा रहे हैं, एक ऑर्डर में सेट करते जा रहे हैं। तो अब हमने, क्योंकि हमें आपको मालूम है कि प्रायोरिटी क्यू आपके दो वेज पे होते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं या असेंडिंग, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या करते जा रहे हैं, सेट करते, बढ़ते क्रम में डेटा को सेट करने के लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है चेक डेटा, कौन सा डेटा, चेक डेटा, क्लियर। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, रियर ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स माइनस वन। अगर रियर की वैल्यू मैक्स के बराबर है तो इसका मतलब हम उस क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, क्यू ओवरफ्लो, नो मोर एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड, इसका मतलब है कि उसमें आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। दूसरी, पहली, फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास, इफ फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, अगर फ्रंट भी माइनस वन है एंड रियर इक्वल टू माइनस वन, यानी फर्स्ट टाइम डेटा हमारा, फर्स्ट टाइम डेटा इनपुट हो रहा है, ध्यान रखिए फर्स्ट टाइम दोनों की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन माइनस वन। तो अगर है तो दोनों हमारे क्या हो जाए, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, पी क्यू रियर इक्वल टू डेटा, डेटा की वैल्यू आपकी इनपुट हो जाए, क्लियर। अगर फर्स्ट टाइम जब ये नहीं चलेगा तो एल्स में जाएगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, चेक डेटा, और रियर को हमने यहाँ से प्लस प्लस, चेक डेटा, हमने डेटा क्या कर लिया, एक निश्चित ऑर्डर में डेटा को क्या करके अरेंज करके और उस अरे में वैल्यू को क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। ध्यान से पॉइंट समझिए, अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो आप प्रायोरिटी क्यू को नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो आपने डाला डेटा 5, डेटा कितना डाला 5, तो ये दूसरी टाइम, तो जो डेटा 5 डालोगे, मान लो पहले से वैल्यू उसमें कितनी पड़ी है 4, तो डेटा 5 ग्रेटर देन 4 क्या है, कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आपका एलिमेंट जाएगा और इंडेक्स को उसकी क्या कर देगा, रिप्लेस करके एलिमेंट आपको क्या कर देगा, वहां पे स्टोर कर देगा। अगर अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मान लो आपका डेटा ग्रेटर देन नहीं है, तो आपकी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, सीधे आपको यहां से उठा के और यहां वैल्यू असाइन करके रिटर्न कर देगा, डेटा से बाहर कर देगा, क्लियर। तो इस टाइप से हमने ये कौन सा प्रोग्राम है आपका, इंसर्शन का। अब डिलीशन का बनाते हैं,
तो डिलीशन का प्रोग्राम हमने, पहली कंडीशन हमारे पास, अगर दोनों माइनस वन होंगे तो इसका मतलब क्यू में कोई एलिमेंट नहीं, इफ फ्रंट इक्वल टू माइनस वन एंड रियर इक्वल टू माइनस वन तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, क्यू इज एम टी, नो एलिमेंट्स टू डिलीट, आप कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, कंडीशन हमारे पास है। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई क्योंकि अपन ने, हमने आपको बताया कि हम कौन सा एलिमेंट इनपुट करना चाहते हैं, उस एलिमेंट्स के आधार पर डेटा हम डालेंगे, हमने यहाँ कंडीशंस के बेस एलिमेंट्स को इनपुट कराना है, डिलीट कराना है। तो हमने फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू रियर, रियर तक यानी जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, जहाँ रियर की वैल्यू होगी ए प्लस में। अब उस डेटा को हमें फाइंड करना है कि जो वो क्यू में वो डेटा कहाँ पे है, तो हमने कंडीशन लगा दी इफ डेटा इक्वल इक्वल टू अरे का नाम और उसमें आई इंडेक्स यानी जीरो से लेके कहाँ तक फाइंड करेगा, अगर वो मिल जाता है तो कोई स्टार्टिंग वैल्यू आई लेस देन रियर आई प्लस प्लस और उसकी एक इंडेक्स में वैल्यू आपकी क्या हो जाए, पी क्यू में वैल्यू आपकी क्या हो जाए, साइन कर जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे करी प्री क्यू माइनस 99, एक वैल्यू प्रीवियस करके वैल्यू हमने क्या कर डिलीट करा दी और रियर इक्वल टू रियर माइनस वन, रियर एक हमने क्या कर दिया बैक, इफ फ्रंट और रियर माइनस, तो हमारी कंडीशन क्या है, फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, ये हमने यहाँ पे, और उसके बाद डेटा नॉट फाउंड, अगर डेटा नहीं मिलता तो ये कंडीशन हमारी क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। बाकी इसमें हमने सिंपल कोड लगाया हुआ है वही कि फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, रियर इक्वल टू माइनस वन, क्यू इज एम्प्टी, अगर दोनों कंडीशन क्यू इज एम्प्टी, बाकी हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग फ्रंट इक्वल टू रियर, फ्रंट और फ्रंट की वैल्यू हम जो भी होगी वहां से एलिमेंट हमारे कैश कर देगा, प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कराया, प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। अब देखिए रन कराया प्रोग्राम को, देखिए एस मैसेज आ गया हमारे पास, उसके बाद हमने जैसे डाला वन, हमने इनपुट किया 12, क्लियर, उसके बाद हमने वन वैल्यू डाली 2, ठीक है, उसके बाद हमने डाला वन वैल्यू डाली 45। अब देखिए अब डिस्प्ले करेंगे तो हमारा एक ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, बढ़ते क्रम हो रहा, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू फिर सबसे छोटी वैल्यू, एक ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, सिंपल सा कोड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अब मान लो हमने किया वन, ठीक, हमने किया वन और हमने डाल दिया इसमें 35। अब देखिए फिर देखिएगा, अब हमने यहाँ पे किया 3, 45 से पहले आपका 12 से पहले क्या इंसर्ट हो गया, एक निश्चित ऑर्डर में वैल्यू आपकी क्या हो रही, स्टोर हो रही, अरेंज हो रही है। अब अपन क्या करते हैं, मान लो अपन डिलीट करना चाहते हैं, अब हमने किया 2 प्रेस, तो प्रायोरिटी की हमसे पूछ रहा है एंटर 2 वैल्यू डिलीटेड, अब हमने दे दी 12, क्या कर 12, अब हम यहाँ पे करते हैं 3, जो हमने एलिमेंट्स की वैल्यू डाली है उसी एलिमेंट्स की वैल्यू को इसने क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ, यही प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू में क्या कि यूजर अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी वैल्यू की या किसी भी प्रोसेस की, मतलब वैल्यू की प्रायोरिटी को आगे पीछे या चेंज कर, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, क्लियर। तो इस टाइप से हम, ये हमारा कौन सा क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के प्रायोरिटी क्यू होते हैं, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग। एंड जब हम वैल्यू को किसी एक निश्चित ऑर्डर, यहाँ पर हमने किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्या किया हुआ, अरेंज किया हुआ, आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा किसका क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू का, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, पहले अपन समझ लेते हैं डबल एंडेड क्यू, यानी जिसको बोलते हैं अपन डी क्यू। तो अपने पास दूसरा जो अपने पास है डबल एंडेड क्यू, चलिए डबल एंडेड क्यू, ठीक है। डबल एंडेड क्यू में मतलब होता है, इसको अपन, इसका दूसरा नाम भी है हेड टेल लिंक लिस्ट, ठीक है। यानी इसको डबल एंडेड क्यू क्या बोलते हैं कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों छोर से हो सकते हैं, यानी एक छोर से इंसर्शन भी हो सकता है, दूसरी छोर से डिलीशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, यानी दोनों छोर से डबल एंडेड, इसमें कितने एंडेड हो, डबल एंडेड हो, वो हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल एंडेड। और डबल एंडेड क्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और एक होता है हमारे पास आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। जब हमारे पास इंसर्शन कैन बी डन वन एंड, यानी जब हम इंसर्शन सिर्फ एक एंड से करें, ध्यान रखना, जब हम इंसर्शन सिर्फ एक एंड से करें
और डिलीशन बोथ साइड, इन दोनों साइड से अगर हम डिलीशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। हमने पहले ही बताया कि डी क्यू क्यों बोलते हैं, जब किसी क्यू में इंसर्शन डिलीशन दोनों छोर से किया जा सकता हो तो वो हमारा कौन सा क्यू कहलाता है, डी क्यू कहलाता है, डबल एंडेड क्यू कहलाता है। पर डबल एंडेड क्यू में भी हमारे पास दो टाइप्स है, एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और एक हमारे पास आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। जब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू की हम बात करते हैं तो इस इंसर्शन ओनली वन साइडेड, यानी इंसर्शन सिर्फ एक साइड से होगा और डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ साइड एंड बोथ हैंड, यानी दोनों साइड से जब डिलीशन परफॉर्म होता है, इंसर्शन एक साइड से होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। क्या कहलाता है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, यानी इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सिंपल सा है, जब इनपुट रिस्ट्रिक्टेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि वैल्यू सिर्फ आपकी एक साइड से इंसर्शन होगी, वैल्यू कितने साइड से इंसर्ट होगी, एक साइड से। और जब हम आउटपुट रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो इसका मतलब डिलीशन कैन बी डन ओनली वन साइडेड, सिर्फ जो डिलीशन है वो हम कितने साइड से इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, वन साइड, बट इंसर्शन बोथ साइड, यानी वैल्यू को इंसर्ट हम दोनों, आउटपुट रिस्ट्रिक्शन मतलब डिलीशन की बात कर रहे हैं तो यानी डिलीशन एक साइड से और इनपुट बोथ साइड से। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट रिस्ट्रिक्शंस यानी इंसर्शन वन साइड और डिलीशन बोथ साइड, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डी क्यू के टाइप, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। क्लियर, अब अपन इस पे एक प्रोग्राम अपन समझते हैं और प्रोग्राम को करते हैं। क्लियर, चलिए चलते हैं अपन, देखिए प्रोग्राम अपन करते हैं। यहां पर अपन ने लिया डबल एंडेड क्यू, तो अपन ने वही हेडर फाइल्स ओपन ली और इसका मैक्स साइज डिफाइन किया 10। इंट डी क्यू मैक्स, एक अरे बनाया डी क्यू नाम से, इसमें साइज पास कर दिया 10। उसके बाद इंट लेफ्ट माइनस 1, इंट राइट माइनस 1, चाहे आप रियर और फ्रंट भी यूज कर सकते हैं, हमने लेफ्ट और राइट समझने के लिए लेफ्ट और राइट को यूज किया हुआ। फिर हमने यहाँ पे किया इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, डिलीट राइट, डिलीट लेफ्ट और डिलीट, यानी आपको किस साइड से इंसर्ट करना और किस साइड से डिलीट करना, एक ही प्रोग्राम में हमने दोनों चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। क्लियर भाई, पूरा बना लिया प्रोग्राम, आप बना लीजिए इसको। अब उसके बाद एक एक मेथड को समझते हैं, इंसर्ट लेफ्ट राइट सॉरी। तो हमने यहाँ पे चेक किया लेफ्ट इक्वल इक्वल टू 0 एम परसेंट, राइट मैक्स माइनस 1 और लेफ्ट इक्वल इक्वल टू राइट प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि लेफ्ट अगर 0 है, राइट मैक्स के बराबर है और लेफ्ट राइट में एक वैल्यू का अगर अंतर है, तो इसका मतलब हम उसमें फुल है पूरी तरह से, उसमें कोई एलिमेंट हम इनपुट नहीं कर सकते। एक कंडीशन और चेक करा लेते हैं, इफ अगर लेफ्ट इक्वल टू माइनस 1 है स्टार्टिंग में, इनिशियली क्यू जब एम्प्टी है, तो लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू कितनी करनी है अपन को, माइनस 0 और 0। एक कंडीशन अपने पास ये है कि एल्स इफ राइट इक्वल टू इक्वल इक्वल टू मैक्स माइनस 1, उस कंडीशन में राइट 0 हो जाए, एल्स नहीं तो राइट इक्वल टू राइट प्लस 1, डी क्यू राइट इक्वल टू वैल्यू, उसमें हमारे पास क्या हो जाए, वैल्यू को अपन उसमें क्या कर दें, असाइन कर दें। क्लियर, तो ये हमारा किसका हो गया, इसी तरह अपन अब इसमें अपन किसको इंसर्ट किससे कर रहे हैं, अपन लेफ्ट से कर रहे हैं, तो इसमें अपन किसको माइनस करेंगे, लेफ्ट को माइनस करेंगे। क्लियर, ये हमारा लेफ्ट। इसी तरह हमने यहाँ पे राइट के लिए, तो राइट को यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इधर लेफ्ट राइट से करेंगे तो राइट को प्लस करेंगे, ये देखिए। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों किए हुए। एक बार प्रोग्राम समझते हैं, कंपाइल कराते हैं और प्रोग्राम को अब प्रोग्राम को रन कराते हैं, पहले समझते हैं। अपन इंसर्ट एट राइट, इंसर्ट एट राइट वन किया, 11 12 1 13 1 14, कितनी वैल्यू डाल दी अपन ने, डिस्प्ले के लिए अपन ने 5 किया, वैल्यू देखे हमारे डिस्प्ले। अब अपन लेफ्ट से डिलीट करना चाहते हैं राइट, तो अपन ने वाले दे दिया राइट, डिलीट किस साइड, राइट 3। अब अपन करते हैं 5, ये देखिए कहाँ से हो गया, हुआ। अब अपन करते हैं डिलीट फ्रॉम लेफ्ट 4, अब डिस्प्ले करते हैं, देखिए हो गया। तो किसी भी एंड साइड से वैल्यू को आप डिलीट या इंसर्ट कर सकते, दोनों साइड से, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, डिलीट राइट, डिलीट लेफ्ट, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो इन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा आप करेंगे, मेहनत करेंगे, इन प्रोग्राम्स को आप करेंगे
और जितना हो सके इन प्रोग्राम को आपको बनाना है, और फिर अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमको इनको कमेंट्स करके बताएंगे जरूर, ठीक है। अगर इन प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको क्या करना है, काम करना है, क्लियर। ये प्रोग्राम में तो ये आपके क्यू के टाइप हो गए। अब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी अपन उसमें देखेंगे लिंक लिस्ट पे कैसे काम करते हैं और लिंक लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन पे अब आपको काम, सभी लोगों को काम करना है, और जितनी ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग मतलब आपको मानता है मेहनत। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा रट्स को सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कमेंट करके बताएं जरूर। थैंक यू।